हमारे हरदल अजीज चेयरमैन नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अली जनाब कय्यूम तंबोली साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। सलाम अलैकुम। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये मिसाल हमारे मुंबई अध्यक्ष यहाँ के आज जो हमारी सदारत में सचिन निरुपम साहब स्टेज पे मौजूद, हमारे अखिलियत के सदर जनाब हाजी बब्बू खान साहब, वरिष्ठ नेता इस मुंबई शहर के डिप्टी मेयर रह चुके श्री राजेश शर्मा जी, नासिर जकरिया जी, यहाँ के उपस्थित हमारे सारे जिला अध्यक्ष, सारे मान्यवर स्टेज पे और सारे मान्यवर मेरे साथ में बैठे भाइयों और बहनों, आज ये मीटिंग जो रखी गई है कि कांग्रेस पार्टी जो अखिलियत एक जो मर्तबा रखती है अखिलियत का, मैं निरुपम साहब को बताना चाहता हूँ कि मुंबई शहर के अंदर जिस तरह से आपने जो माहौल बनाया अखिलियत को जोड़ने का, आज जो मीटिंग जो रखी गई है अखिलियत को जोड़ने की रखी गई है, माइनॉरिटी को जोड़ने की रखी है। यहाँ पे लोगों के अंदर कैसे जोड़ पैदा करें, लोगों को एक माहौल जो बना, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोगों को गिन गिन के जोर जोर करके चल रही है, इस जोर का फायदा जो हमारा कन्वर्ट होना चाहिए, ये एक फिकर और एक जिक्र बोलते चीज होती है, उसको फिकर के अंदर कन्वर्ट कर करके हमें इससे लाना, तब्दीली लानी चाहिए। आज जो माहौल चल रहा है देश का, आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक ताकत जो है, जैसे भाजपा है, सेना है, और भी जो है, एमआईएम है, और भी, मैं सबको सांप्रदायिक मैं कहता हूँ कांग्रेस को छोड़कर कि एक ही पार्टी ऐसी है सेकुलर, कि सब लोगों एक एक जगह जमा करने का काम कर रही है। और मुंबई के अंदर एक माहौल ऐसा पैदा हुआ, आज संजय निरुपम जी आज हमें घर में बैठने देते नहीं है, कहते हैं कि भाई बाहर निकलो, मीटिंग करना है बाहर करो, लोगों से जुड़ो, चार आदमी लेकर के चाय पियो, उनसे बैठ के चर्चा करो। अरे भाई क्या चर्चा करें, चर्चा ये है कि आज जो देश का माहौल जिन लोगों ने गंदा किया है, खास तौर से माइनॉरिटी अकलियत के ऊपर, क्योंकि अकलियत ऐसी शख्सियत है इसे कमजोर समझा जाता है, इन्हीं पे जुल्म किया जाता है, अगर कोई चीज होती है तो पहले पकड़ा जाए तो अकलियत को पकड़ा जाता है। अकलियत के अगर हाथ पे तुम अगर साइंस दे दो, अखिलियत के अगर हाथ पे तुम अगर साइंस दे दो तो अब्दुल कलाम भी बन सकता है, अखिलियत के अगर हाथ पे आप तहरीर दे दो सानिया मिर्जा भी बन सकती है, अखिलियत के हाथ पे अगर आप बैठ दे दो तो जहीर खान पठान मोहम्मद अजरुद्दीन भी बन सकता है, अखिलियत के हाथ पे अगर तुम भरोसा करो तो अखिलियत बहुत कुछ दे सकता है। अखिलियत के पैर कहीं कहीं कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, उसकी कोई मजबूरी होती है तो कभी कभी हाजी मस्तान भी बन जाता है, एक मजबूरी होती है, लेकिन लोगों को जोड़ने का काम एक माहौल इस तरह से किया है। हम तो कहते हैं कि हमने जो हमारे नेता है संजय निरुपम जी, इन्होंने एक ही बात कही कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये लोगों के अंदर माहौल पैदा करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को हिम्मत देने वाला काम किए। यहाँ काफी लोग भी और भी बोलना चाहते हैं, कांग्रेस के मंच पे बोलना ये भी एक सौभाग्य है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता से ज्यादा कार्यकर्ता जो होता है वो लीडर बनता है, ये खूबी है। और सबसे ज्यादा संजय निरुपम जी ने जो अखिलियत को जो इज्जत से नवाजा है, आज हम उस चीज की हम जो है गवाही देते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखना ज्यादा से ज्यादा टिकट अखिलियत को दी गई है, अखिलियत को ओहदा देना, अखिलियत को जोड़ना, अखिलियत को आगे रिस्पेक्ट देना, ये संजय निरुपम जी से हमें मिली है और चीज की हम गवाही देते हैं और हमें मिल रही है उस चीज की। हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके हम कदमों से कदम मिला करके उनके साथ में जोड़ा जाए, क्योंकि कुछ लोग झूठी तसल्ली दे रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, हमें डिवाइड एंड रूल वाला काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक माहौल, जो लोग इतना अच्छा माहौल है, आज हर एक दो चार घर के अंदर अगर आप किसी को पूछने जाओ तो तीन घर ये कहता है कि हम तो कांग्रेस के साथ में है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कुछ हमें उनसे जो हासिल जो देना चाहते हैं हमें उनके घर तक जाना पड़ेगा, हमें उनसे उनको समझाना पड़ेगा। आज उनके बार बार हमें चर्चा करना पड़ेगी कि महंगाई की कांग्रेस के राज में पेट्रोल का क्या भाव था, कांग्रेस के राज में गैस का क्या भाव था, आपको इस चीज को रुझान उनके दिमागों में डालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, जो कांग्रेस की खूबियां बताना पड़ेगी। कांग्रेस की खूबी तो सबसे पहले ये बात है कि वो सेक्युलर है, वो तो एक ही बात कहती है
कि मत घबराओ हिंदुस्तानियों, मत घबराओ हिंदुस्तानियों, खुदा और भगवान की शान बाकी है। मत घबराओ हिंदुस्तानियों, खुदा और भगवान की शान बाकी है, अभी गीता बाइबल और कुरान बाकी है। अरे भगा दो ऐसे भाजपा और सांप्रदायिक शैतानों को, क्योंकि अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बाकी है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे नेता हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, लोगों को लेके चलना। आज हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए, लोग उन्होंने जो बड़े बड़े घपले जो उजागर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे न्यूज के अंदर। मैं यहाँ पर हमारे माजी आमदार श्री बल्लो खोसा जी का मैं स्वागत करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आएंगे।